हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, इसमें क्या है, द्विघाती समीकरण होते क्या हैं, जिनकी जो ऐसे समीकरण जो द्विघात के होते हैं, यानी कि द्वितीय कोटि के बीजगणितीय होते हैं, जिनमें अचर घात दो होती है, उसे हम द्विघातीय समीकरण कहते हैं। जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। यानी कि इसमें ये देखो, ये क्या है तुम्हारा, एक्स की पावर कितनी दे रहे हैं, टू। तो ये क्या हो गए, द्विघातीय समीकरण हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसमें क्या है, एक्स की पावर कितनी, थ्री। यानी तो ये तीन घात के समीकरण हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही ए एक्स की पावर फोर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, यानी इसमें एक्स की पावर कितनी है, फोर। तो ये चार घात के समीकरण हो गए। तो इसमें क्या है, दो घात है, तो इसमें द्विघात के समीकरण। ये हम अभी ये पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन में हमें इतना पढ़ना होगा। अभी क्लियर हम केवल दो घात के समीकरणों से करेंगे। आगे नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आइए। इसमें क्या कह रहे हैं, द्विघाती समीकरण का मानक रूप लिखिए। यानी जैसे हमने आपको ये क्लियर कराया है, यहाँ पर ये मानक रूप होता है, इसी को क्या कहते हैं, मानक रूप बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। विभक्त कर से क्या तात्पर्य है, किसी वर्ग समीकरण में विभक्त कर d बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है। यानी विभक्त कर रूप में अगर हम इसको लिखेंगे तो विभक्त कर यानी कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस के फोर ए सी होता है। किसी वर्ग समीकरण में यदि विभक्त कर का मान कोई धनात्मक संख्या हो तो इससे क्या तात्पर्य होता है। यानी कि हमारा विभक्त कर का मान अगर धनात्मक आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो हमारे पास समीकरणों को हम दो रूपों में लिख सकते हैं, यानी वास्तविक और असामान मूल्य होंगे उनके, ठीक है। यदि वर्ग समीकरण में विभक्त कर का मान अगर ऋणात्मक हो जाए यानी नेगेटिव आ जाए तो हम उनका क्या करेंगे, तो हम विभक्त कर का मान हमारा क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा, असमान होगा। यानी समझ में आया, पॉजिटिव होने पर, पॉजिटिव क्या होने पर क्या होगा, वास्तविक हो जाएगा तथा असमान हो जाएगा, और नेगेटिव होने पर क्या हो जाएगा, काल्पनिक और असमान हो जाएगा। विभक्त कर का मान यदि अगर हमारा शून्य आ जाएगा तो हमारा क्या मान हो जाएगा इसमें, तब इसके दो मान होंगे, वास्तविक तथा समान मूल होंगे, ठीक है। आगे ये आपका क्लियर हो जाएगा, जैसे ही आप क्वेश्चन क्लियर करोगे, पूरा सॉल्व करोगे, तो ये आपको पॉइंट, यहाँ पर तीनों पॉइंट ये समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समीकरण 5x² प्लस 6x प्लस 4 इक्वल टू जीरो, यानी हमें सॉल्व करना है। ये हमारा इक्वेशन दिया है 5x² प्लस 6x प्लस 4 इक्वल टू जीरो, यानी मानक रूप में ये हमारा दिया हुआ है। इस समीकरण की हम क्या करेंगे, तुलना कर देते हैं मानक रूप में, यानी जो हमारा मानक रूप ये हमने अभी आपको बताया था ना, इस तरह से इस समीकरण से हम इसकी क्या करेंगे, कंपैरिजन कर देंगे, ठीक है। जैसे a का क्या वैल्यू, यानी एक्स, ये भी x है, इक्वल प्लस बी एक्स यानी एक्स एक्स प्लस सी यानी कि इक्वल टू जीरो, ओके। अब इनका हम कंपैरिजन कर देंगे, यानी कि इस जगह पे आप देखिए 5, a बराबर क्या है 5, ठीक है, और b बराबर क्या है 6, और c बराबर क्या हो गया यहाँ पे 4, ठीक है। अब हम मान रख देंगे a बराबर कितना हो गया, प्लस का 5, कॉमा b बराबर कितना है वैल्यू इसकी, प्लस का 6, और c बराबर कितना है, प्लस का 4। विभक्त कर समीकरण हम लगा देंगे, जो भी हमारा विभक्त कर ये समीकरण था यहाँ पर, वो हम क्लियर कर देंगे। तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस के फोर ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि b की वैल्यू कितनी है, 6 है, b की वैल्यू कितनी है 6, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो 6 का स्क्वायर माइनस के फोर, फोर इंटू ए क्या है
ए आपका 5 है, 5 इंटू सी क्या है आपके पास 4 है, तो 5 इंटू 4 इक्वल टू ये आ गया आपका माइनस के आंसर, यानी कि माइनस के 44 ये आंसर आ गया, चूंकि डी लेस देन सॉरी चूंकि डी ग्रेटर देन 0, अतः समीकरण का कोई वास्तविक हल नहीं होगा, यानी कि डी है बड़ा 0 से, यानी 0 बड़ा है किससे, डी से, 0 बड़ा है किससे, वास्तविक संख्या 0 से ये बड़ा है, 0 बड़ा है, यानी कि अतः समीकरण का कोई भी हमारा हल नहीं होगा, तो हम इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन, द्विघातीय समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के कौन कौन से दो मूल हैं, इस समीकरण का व्यापक हल लिखिए, यानी एक तरीका तो ये है इसको सॉल्व करने का, ये है फर्स्ट तरीका, एक समीकरण सॉल्व करने का ये दूसरा तरीका है। आइए हम इस क्वेश्चन को अब दूसरे तरीके से भी सॉल्व करके देखते हैं, इसी प्रकार हम इसको यहां पर भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें द्विघाती समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के कौन कौन से दो मूल हैं, इस समीकरण का व्यापक हल लिखिए, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, व्यापक हल बोलते हैं, व्यापक सॉल्यूशन हम करेंगे अगर, यानी कि बड़ा मतलब सॉल्यूशन करेंगे इसका हम, तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, इस समीकरण के दो मूल हैं, यानी कि ये फॉर्मूला है जो हमें रटना पड़ेगा, इसको हम रट लेते हैं, x इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, ओके होता है जहां a ग्रेटर देन सॉरी नॉट इज इक्वल टू जहां a नॉट इज इक्वल टू 0। इस समीकरण के दो मूल होंगे, यानी कि एक अल्फा में रहेगा प्लस में कर देंगे और एक माइनस में कर देंगे, तो अल्फा इक्वल टू माइनस के बी ये प्लस का हो गया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, एवं बीटा इक्वल टू माइनस के बी माइनस के अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a हैं। क्लियर, यहाँ पर हमारा ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपका क्लियर कराते हैं अभी।